नमस्कार मंजुला आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास में बच्चों को तुमा आर्ट बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी तुमा एवं टूल्स की। देखिए यह तुमा मैंने अपने ही बगिया से लिया है, आप इसे मार्केट से लेकर बना सकते हैं। तो आइए बच्चों सीखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। आप मार्केट से लेंगे तो ध्यान रखें आपको कड़क तुमा लेना है। लेने के बाद इसे छांव में 7 महीने तक सुखाएंगे। यदि आप सीधे धूप में सुखा देंगे तो यह बनाते वक्त फट जाएगा। यदि आपको हमारा यह तुमा आर्ट अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए बच्चों इसको अब 7 महीने के लिए हम छांव में सुखा देंगे। देखिए बच्चों हमारा यह तुमा सूख चुका है। अब इसके ऊपर हम ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग में यह घोंसला और ये चिड़िया बनाएंगे। देखिए बच्चों इस प्रकार ड्राइंग करनी है। पहले कार्बन रखें, उसके ऊपर यह डिजाइन और उसके बाद ड्राइंग कीजिए इस प्रकार। चलो बच्चों इसे बनाने के लिए हमें नीचे बैठना पड़ेगा। यह नीचे बैठ के ही सही तरीके से बन पाएगा। देखिए हमारा ड्राइंग हो चुका है। हमने सूखने के बाद इसके अंदर का सारा गूदा एवं बीजा बाहर निकाल लिए हैं। उसे निकालने के लिए गोलाई में ऊपर की ओर छोटा सा कट करना है और जहां से बाद में वायरिंग और लाइट फिट करने के लिए लाइटिंग के लिए वायरिंग कर सकते हैं। इसे बनाना स्टार्ट करने से पहले हमने साइनिंग के लिए एक कोड मेटालिक कॉपर कलर किया है। बच्चों इसे आप लोग बिना कलर किए भी बना सकते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह कील रखेंगे ड्राइंग के ऊपर और हल्के हाथों से ऐसे इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। ये देखिए ऐसे हमारा ये बनते जाएगा हल्के हाथों से। इसे जोर से नहीं ठोकना है। देखिए बच्चों इसके लिए हमने ये बारीक कील और हथौड़ी लिया है। सिर्फ आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि तुमा ठोस हो, आपको ठोस तुमा ही लेना है। इसे आप लोगों को बहुत ही ध्यान से और बारीकी से बनाना है। बहुत ही ध्यान से बनाएंगे इसे। देखिए हमारा यह तुमा आर्ट बन चुका है। हमने बच्चों से यह टेलर बर्ड बनवाया है। तो आप इसे होल्डर लगा के अंदर लाइट फिटिंग करके लैंप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।